उन्हें बयान देता भी मेरे सामने कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, मैं तो इन्हों किसी भी नहीं जानता, मैं कभी इन्हों का मूँह नहीं देखा, इस करके मेरा बयान इन्होंने झूठा लिखा। इन्होंने जी साढ़े छे महीने ये बर्बाद कर दिए, अज आ जाओ जी, कल आ जाओ जी, फाइल नहीं लभदी जी, सरकारी वकील नहीं मिलता जी, बंदा हुण दिल्ली है जी, उन्हें किस तरह ट्रायल करिए। अदालत ने फिर भी ये इन्ने महीने जिहड़े है दो तीन महीने जिहड़े ने लंबलेट जिहा करके ते अज फैसला किया जी, अज फैसला करके ते जगतार सिंह जी हवारा नूं जिहड़ा है परी कर दिता। दुखांत की गल ये आ कि जिहड़ा बंदा किसी क्राइम दे विच इनवॉल्व नहीं हैगा, उहदे ते एक झूठा बयान लिख के उहनूं इस तरह किन्ने साल 15-16 साल अंदर रखना, इस तों वड्डी बेइंसाफी की हो सकती है। अज असीं तुहानूं इस करके इत्थे आउण दी खेचल दित्ती है, जथेदार जगतार सिंह जी हवारा दा अज केस चंडीगढ़ दी अदालत दे विच फैसला होया जिहदे च ओह बरी हो गए ने। ये केस 16/7/2005 की गल है, मतलब इन्ने लंबे समय तो ये केस जिहड़ा सी रजिस्टर होया। इहदी एक रजिंदर सिंह इंस्पैक्टर से चंडीगढ़ का पुलिस का, उन्हें दो मुंडे जिहड़े अरैसट किए, एक कमलजीत सिंह एक परमजीत सिंह, किसान भवन के लागे 35 सैक्टर से स्टोरी ये बना ली कि ये दोनों मुंडे जिहड़े सी ये हथियारबंद सी ते ये खालिस्तान की मूवमेंट नूं अगे चलाउण लई चंडीगढ़ दे विच कोई बहुत जिहड़े इंपोर्टेंट आदमी से उन्हां नूं मारना चाहुंदे सी। इन्हां दोनों का जिहड़ा सी अरैसट करके फिर इन्हां दा जिहड़ा सी रिमांड चलदा रहा, इहदे विच जथेदार जगतार सिंह जी वारा नूं इस तरह फसा लिया कि 2017 च एक गवाह इस केस दे विच होया, मतलब 2 साल बाद उहदी एक बयान लिख ली गई कि मैं चमकौर साहब मत्था टेकण गया सी गुरद्वारा साहब, ते उत्थे 3 बंदे बैठे सी जिन्हां चों एक जगतार सिंह जी वारा सन ते 2 मुंडे ये जिहड़े सी ये आपस विच दी सलाह कर रहे सी कि हुण चंडीगढ़ असीं कोई बंदे मारने ने ते इहदा प्रबंध करिए। उन्हें लफ्जा ना भी ये 120B कॉन्सपीरेसी दे विच जथेदार साहब नूं इहदे केस दे विच जिहड़ा सा लिया। ये जिहड़ा सुखदेव सिंह सी उहदा 2007 च बयान होण दे बावजूद भी इन्ना लंबा केस चले गया, उन्हें बयान देता भी मेरे सामने कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, मैं तो इन्हों किसी भी नहीं जानता, मैं कभी इन्हों का मूँह नहीं देखा, इस करके मेरा बयान इन्होंने झूठा लिखा तो मैं इस गल की जी है जो इन्होंने मेरा बयान लिखा भी उत्थे मैं उन्होंने आपस में गल करते देखा सारा झूठा है। उसके बावजूद भी जथेदार साहब ने अदालत पेश नहीं किया, बहाना यह बना लिया भी उन्होंने 268 थले बेअंत सिंह मर्डर केस के जेल के होने करके उन्होंने बाहर नहीं लिया जाता, बाहर नहीं लिया जा सकता, इस करके उन्होंने जोड़ा सी मुकदमा अलहदा कर दिया गया। अलहदा करने के उस 2007 तो जदों उन्होंने इस केस चो बाहर कट के मतलब यदा ट्रायल बंद कर दिता गया, ये ट्रायल दूजे दोनों का हो गया। दूजे दोनों सज्जणों जी हैगी अज तो कई साल पहले जी है 7 साल कैद हुई उस छुट गए ने दोनों, मतलब ये वध तो वध भी जे जथेदार हवारा साहब कैद होनी तो 7 साल होनी सी, लेकिन 2005 तो लैके 2024 आ गया हुण इन्ने साल ये विदाउट ट्रायल रहे। ये असी कोशिश की पिछले साल भी एक बंदा है तुसी उहदे ते केस बनाया है, तुसी उहनूं ना पेश करदे आ, ना चलान पेश कीता उहदे खिलाफ, ना उहदे खिलाफ जिहड़ा है कोई तुसी उहनूं जिहड़ा है केस की पूर्ति करके उन्हें फैसला करने चाहते, ये किहड़ा कानून है। इन्होंने जी साढ़े 6 महीने ये बर्बाद कर दिए, अज आ जाओ जी, कल आ जाओ जी, फाइल नहीं लभदी जी, सरकारी वकील नहीं मिलता जी, बंदा हुण दिल्ली है जी, उन्हें किस तरह ट्रायल करिए। असी कोशिश करके इहदा जिहड़ा है ट्रायल अज तो 4 महीने शुरू करवाया। पहले जदों उन्होंने सारे दस्सिया कि जगतार सिंह हवारा जी के खिलाफ तो कोई गवाही नहीं हैगी, इक्को गवाह सी वो भी मुकर गया भी मेरे सामने तो मीटिंग कोई हुई नहीं, तो बाकी गवाही तो ये कोई बनती नहीं,
इस करके अदालत ने फिर भी ये इन्ने महीने जिहड़े है दो तीन महीने जिहड़े ने इन लंबे जिहा करके ते अज फैसला किया जी। अज फैसला करके ते जगतार सिंह जी हवारा नूं जिहड़ा है बरी कर दिता। दुखांत की गल यह कि जिहड़ा बंदा किसी क्राइम के विच इनवॉल्व नहीं हैगा उहदे ते एक झूठा बयान लिख के उहनूं इस तरह किन्ने साल 15-16 साल अंदर रखना, इस तों वड्डी बेइंसाफी की हो सकती है। किहड़े कानून की गल करते लोग, जदों साडी इत्थे इहनां दे नाल मीटिंग हुंदी सी भावें पंजाब दे अफसर सी ते चाहे चंडीगढ़ दे, ये केस जिहड़े दो चंडीगढ़ दे आ दो जिहड़े मोहाली दे ने, इहनां नूं असीं हवाला देंदे सी कि तुसीं साडे नाल कहिंदे आ वी तुसीं कानूनी गल करो कानूनी गल करो, ये तुहाडा कानून आ वी तुसीं 20-25 साल आदमियां नूं बगैर ट्रायल रख के तो उन्होंने फैसला ना कराओ, ये किहड़ा कानून है दसो। फिर वो साढ़े ना ये गल करते नहीं जी तुसी तो साढ़े ना जी है खटियां गल्लां करते हैं, तुसी साढ़े ना गलत गल्लां करते हैं। उन्होंने असं ये कहें भी जे कानून के दायरे च असी रहने फिर भी असी गलत हाँ, तो जे तुसी कानून तोड़ते हैं तो फिर भी तुसी कानून कानूनों दी गल्लां करते हैं। जदों असी कहें भी दसो किहड़ा कानून है, भी 20 साल तुसी बंदे नूं बगैर ट्रायल तो रख्या, उन्होंने कोई जवाब नहीं सी। फिर असी उन्होंने ये कहें ये केसां दी ते पैरवी असी कर रहे हैं, असी तुहानूं कहिंदे सानूं चलाओ सानूं ट्रायल करो, तुसीं इस गल ते हानमी नहीं भरदे ते कसूरवार है तुसीं के असी हाँ। सो ये साडी एडी वड्डी जदोजहद जिहड़ी हैगी आ पिछले कुछ महीनों की, उहदे नाल ये असी जिहड़ा है ये केस अज पूर्ती च लिआंदा। पूर्ती च लिआउण दे नाते किड्डा वड्डा दुखांत टलिया भी एक आदमी 15 साल तो विदाउट ट्रायल सी, उहनूं इहनां ने बंदे नूं बगैर किसी कारण तो अंदर रखिया। साडी ये भी कोशिश रही है, पहला केस जिहड़े जिहड़े पहले मुंडे सी उन्हां नूं 2005 तो 2007 च केस फैसला हो गया, 2 सालां दे केस दे फैसला करा दिता सी। असीं ये भी कोशिश कीती भी बाकी दे जे जथेदार जगतार सिंह जी वाला दे केस जेल च ट्रायल हो सकते तो इहनूं जेल च ट्रांसफर कर दिओ, इहदा भी ट्रायल जिहड़ा है जेल च हो सकदा। इह गल हुंदी है स्टेट दी, स्टेट दे हक्क च, स्टेट ने एक पैसे की कदम नहीं चुकी भी इस मुंडे नूं जिहड़ा है ये जेल दे विच ये केस जिहड़ा है ये जेल च भेज दिए। वह जज ये केस कर रहा सी जिहड़ा जज बेअंत सिंह मर्डर केस वाला कर सकता, सो इस करके वह जज जानता ही सी उस अदालत उत्थे जेल च अदालत लाउंदा सी। ते जे ये भी केस उहदे नाल सुनिया जाता तो ये भी 2007 च जिहड़ा फैसला हो सकता सी। सो इस तरह की बेइंसाफी हो रही है जिन्हों किसी द्वारा भी किसी तरह भी कानून के जिहड़ा है लिया नहीं जा सकता। असी इहो जिहियां बेइंसाफियां नाल जे लड़दे हाँ तो सानू कोशिश करदे करन दी भी तुसी ते जी अतवादियों की मदद करते हैं जी, तुसी तां अतवाद फैलाउंदे आ जी, तुसी खालिस्तान की मूवमेंट नूं अगे जिहड़ा तोरदे आ, मतलब जे तो बंदे गैर कानूनी तरीके नाल अंदर रहन, उहनां दे केस ना चले, झूठे केस पाए होण, तो फिर जे उहनां नूं असी सहमति देईए फिर तो असी सतवादी हो गए, फिर तो असी इस देश के जिहड़े देशभक्त हो गए, फिर असी कानूनदान कानून जिहड़े कानूनदान हुंदे भी जिहड़े ने वो इन्हां दी मानता करिए ते इस तरह की गल चाहुंदे ने जी, जिहड़े कि साडी किसी तरह भी मानता जिहड़ा इंसान है जिहड़ा कानून जानता है जे वो इन्हां गल्लां दे नाल तुरदा सरकार दे ते फिर सरकारां ते कदी चल ही नहीं सकदियां, फिर तो गैर कानूनी चलेगी। सो अज असी तुहानूं इह दस्सणा आ भी एड्डी वड्डी गैर कानूनी दे खिलाफ असी इस तरह 15 साल तो पिछले तो यह जिहड़ा है ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो उहदी सानू अज पूर्ति मिली है। अज उन्होंने 3 बजे जैसे 3:15 बजे फैसला सुनाया तो असी ये तुहानू दसण लई इत्थे आ गए हैं कि एक इस तरह का कानून चल रहा इस कंट्री। इस कानून के खिलाफ जिहड़ा भी इंसान है जिहड़ा मनुखी अधिकारां की कदर करता जिहड़ा कानून की कदर करता वो तो ये खिलाफ बोलेगा। बेशक उन्होंने नतीजे जिहड़े कई दफ़ा बड़े औखे भुगतने पैंदे ने, सरकारां झूठे केस पाउंदियां ने, ते इस मामले च असीं तुहाडे को इस करके दसना है भी आ साडे नाल वरत्या। बाकी सर बलछेर सिंह भी मेरे नाल सहयोगी रहे ने, ये दसणगे कि होर इहदे च दस्सिया जा सकदा। वैसे तो चहल साहब ने सारा ही इस केस नूं ब्रीफली दस्सता भी की फैक्ट्स हैगे सी किदां इह केस चलिया। बड़ी बदकिस्मती है साडे सिस्टम दी कंट्री दी कि एक छोटा जिहा ट्रायल करन लई जिहड़ा 18 साल जिहड़े आ कोर्ट ने लाते 2005 दी FIR आ उहनूं 2023 दे एंड दे विच उहदा फैसला देणा, ये बड़ी वड्डी बदकिस्मती आ जुडिशियल सिस्टम दी।
और फैसला भी उदों दिता कि जदों असी जगतार सिंह हवारा वालों एप्लीकेशन लाई भी ये केस पेंडिंग है, इस केस में सुनिया जाए। दो केस सन चंडीगढ़ के, एक एफ आई आर नंबर 271 सी जी सैक्टर 17 की, वह भी सेम एस इदा की स्टोरी बना के केस फाइल किया, सेम जज को ही पेंडिंग है, सेम कोर्ट को पेंडिंग है, वह फैसला भी जोड़ा 30 तरीक न आ जाना। इस केस के कोई विटनेस नहीं सी जिन्हें टैसटीफाई किया हो कि जगतार सिंह हवारा की इस केस इनवॉल्वमेंट आ, सारा केस जोड़ा सुपरसीशन पर से कह ही कि जाना कि जोड़े एक्यूज परमजीत सिंह या कबलजीत सिंह आ, जो एक 25 बोर पिस्टल तो 5 लाइव कार्टरेजिज मिले ने, तो उस 25 बोर पिस्टल के नाल कि देश के नाल जंग लड़ी जा सकती है, किड़ा टेररिज्म किया जा सकता है। सो उन्हों ये प्लान किया गया भी जोड़ा पिस्टल आ जा एक्सपलोसिव सबसटांस आ DX वो जगतार सिंह हवारा ने दिता, और इस करके दिता कि खालिस्तान मूवमेंट नूं रिवाइव करना। उन्होंने सैक्शन 121 ते 121A ला दिता, वेजिंग वार अगेंस्ट दी कंट्री। ये भी गल कि बिलीव नहीं हो सकती कि एक पिस्टल दे नाल किसी मुल्क दे फौज ना जा आर्मी ना जा पुलिस ना लड़िया जा सके, और इस करके प्रोसीक्यूशन इस केस नूं साबित करन च फेल हुई है, और डाउट सी इस केस से कोई कड़ी नहीं जुड़ती थी जगतार सिंह हवारा ना, जिस करके कोर्ट को कोई होर चारा नहीं सी ते जिहड़ा उन्हां नूं इस केस दे विच बरी कर दिता गया। सो इस गल दे नाल जिहड़ी आ ठीक आ कि बड़ी वड्डी मुश्किलां चों निकलदे आ। इस गल दी सब तो वड्डा जिहड़ा मैं कहूँगा जिहड़ी सपोर्ट मिली आ कौमी इंसाफ मोर्चे करके जिहड़ा केस चलिया, अदरवाइज मोर्चा लगन तो पहला तो जिहड़ी साडी एप्लीकेशन 6 महीने तो रोलदियां पईयां सी। अल्टीमेटली जदों इस मोर्चा जदों पीक ते सी ते गवर्नमेंट जिहड़ी UT दा एडमिनिस्ट्रेशन सी ते पंजाब गवर्नमेंट ने अंडरटेक कीता सी कि जगतार सिंह हवारा दे सारे पेंडिंग केसिस एक्सपीडिशियसली चलावांगे। सो ये कौमी इंसाफ मोर्चे की देन आ कि जिहड़े जथेदार जगतार सिंह हवारा दे सारे केसिस लगभग ऑर्डर से आ गए ने और जल्दी कंकलूड हो जाएंगे, और केस खत्म होने तो बाद जो परोल का राइट आ वो जल्दी वो वेल करेंगे ते संगत के सामने बाहर आएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ी अज खालसा पंथ नूं एक खुशी की खबर मिली आ, वकील साहब चाल साहब दलसेर सिंह जी वो दस ही दिता तो कि भाई जगतार सिंह हवारा का जिहड़ा केस चलता सी वो बरी हो गया, तो जिहड़े रहिंदे ने वो भी बरी हो जाएंगे, गुरु कृपा करूगा। जल्द ही भाई जगतार सिंह हवारा सने जिहड़े बाकी सिंह ने वह भी रिहा होणगे। ये होया गुरु साहब की कृपा दे नाल, संगत दे सहयोग दे नाल, कौमी इंसाफ मोर्चा ज्यादा लग्या होया, बहुत बड़ियां प्राप्तियां होईयां ने। 3 सिंह की रिहाई बेल हुई आ, 2 सिंह परोल दे ने, ते भाई जगतार सिंह दे जिहड़े केस ने वह भी वारी वारी करके जिहड़े वह खत्म होंदे जा रहे ने। गुरु कृपा करूगा, सारिया संगतां नूं फिर वधाई आ, ते आप कौमी इंसाफ मोर्चा साथ दिओ तां कि आने वाले समय के जिहड़े बंदी सिंह ने रिहा हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।